गांधी के खिलाफ राफेल मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। मथुरा के विकास बाजार में आज गांधी प्रतिमा के नीचे भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। भाजपा द्वारा पूरे देश भर में आज सुप्रीम कोर्ट की कांग्रेस और राहुल गांधी पर दी टिप्पणी के बाद भाजपा हमलावर मुद्रा में आकर आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। नेताओं ने कांग्रेस को घेरते हुए पिछले 70 वर्षों का हिसाब मांगा है। कांग्रेस पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा जा रहा है कि भाजपा और पीएम मोदी ने देश और सेना को मजबूत करने का काम किया है। उसके बाद भी कांग्रेस नेता की अभद्र टिप्पणियां की सुप्रीम कोर्ट ने भी निंदा की है। मथुरा भाजपा जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार ने बताया कि यह धरना कांग्रेस की नीतियों और बोल वचन के विरुद्ध है। राहुल गौड़ और कांग्रेस पीएम से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस द्वारा राफेल पर झूठ बोल देश और प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। भाजपा इसकी निंदा करती है। कुछ लोगों ने, क्योंकि उनकी एक मर्यादा है, उन्हें जब बोलते हैं तो उन्हें एक मर्यादा के तहत बोलना होता है, उन्होंने टीवी पे आके आप लोगों ने देखा हुआ बयान दिया है कि कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए राफेल सौदे को राजनीतिकरण किया, परंतु उसमें किसी प्रकार की कोई घोटाला नहीं हुआ, सारी व्यवस्थाएं अपनाई गई, कहीं कोई कैसा भी किंचित मात्र कोई इच्छ नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है उसे वो पहले कह चुके थे। तो बच्चों, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज पूरे देश के अंदर राफेल पे जो कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने विशेष करके पूरे देश के अंदर एक भ्रम फैलाया, जानबूझकर षड्यंत्र के तहत एक झूठ फैलाया, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और पुनीत भाजपा सरकार जो देश हित राष्ट्र हित में काम कर रही थी, जो सेना को मजबूत करने के लिए, देश को मजबूत करने के लिए काम कर रही थी, जिस राफेल से सेना इतनी मजबूत हो रही थी कि आसपास के सारे देश, हमारे विरोधी शक्तियाँ जितनी हैं विश्व की, वो कांप रही थी, उसके बावजूद भी षड्यंत्र पूर्वक पूरी देश की जनता के आगे झूठ बोल करके भ्रम फैलाने का प्रयास और सरकार के खिलाफ एक अविश्वास फैलाने का काम जो कांग्रेस ने किया, उसके विरुद्ध आज स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान था, इनको दोबारा उनको चेतावनी देकर के सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को छोड़ा गया। इसलिए पूरे देश के अंदर आज भाजपा ने कहा कि हम सरकार में हैं, लेकिन देश की जनता ने जो विश्वास है, उस विश्वास के प्रति कांग्रेस को अब माफ़ी मांगनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं है जो ऐसी टिप्पणी देश के जिसने 70 साल चलाया, 56 साल जिस सरकार ने चलाया कांग्रेस ने, जिसके परिवार से तीन तीन प्रधानमंत्री हुए, वो इतनी गैर जिम्मेदारान राजनीति नहीं कर सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के बाद भी कोई शेष नहीं बचता कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इसलिए भाजपा आज पूरे देश के अंदर जिला केंद्रों पर आज ही एक ही दिन के अंदर ऐसे धरना कर रही है और कांग्रेस के लिए निंदा का प्रस्ताव ला रही है कि वो, और उससे मांग कर रही है कि देश की जनता से, भाजपा से और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री से सार्वजनिक माफ़ी मांगे। उन्होंने देश के साथ, देश की जनता के साथ, देश की सेना के साथ, देश की सरकार के साथ, सबके साथ जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक झूठ बोला, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। आज का हमारा धरने का मुख्य विषय है। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।